नमस्कार साथियों, मैं हूँ गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेकर आया हूँ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत नया अध्याय, यूरोप में समाजवाद। पहला सवाल, समाजवाद लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? सही जवाब है सोशियस, जिसका अर्थ होता है सहयोग या साथ। दूसरा सवाल, समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने व कब किया? सही जवाब है लुई अंगस्टर ब्लॉक ने, और 1803 में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। लुई अगस्टक ब्लॉक की पुस्तक का क्या नाम है? लुई अगस्टक ब्लॉक की पुस्तक का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर। अगला सवाल, अराजकतावादी के पक्षपाती कौन थे तथा उनका पत्र कौन सा था? सही जवाब है कि अराजकतावादी के पक्षपाती क्रॉपोटकिन थे और उनका पत्र है ली रिवॉल्ट। अगला क्वेश्चन, काल्पनिक समाजवाद की रचना किसने की थी? सही जवाब है दोस्तों, काल्पनिक समाजवाद की स्थापना ओवेन तथा सेंट साइमन ने की थी। ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, काल्पनिक समाजवाद की स्थापना ओवेन तथा सेंट साइमन ने की थी। अगला सवाल, ब्रिटिश समाजवाद तथा श्रमिक संघ आंदोलन का जनक किसे कहा गया है? अगला सवाल, रॉबर्ट ओवेन को ब्रिटिश समाजवाद तथा श्रमिक संघ आंदोलन का जनक कहा गया है। अगला सवाल, सातवां, ग्रांड नेशनल कॉन्सोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना कब व किसने की? सही जवाब है दोस्तों, रॉबर्ट ओवन ने 1835 में ग्रांड नेशनल कॉन्सोलिडेटेड ट्रेड यूनियन की स्थापना की। अगला सवाल, रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद शब्द का प्रयोग कब और कहाँ किया? सही जवाब है 1827 में किया समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवेन ने, और रॉबर्ट ओवेन ने अपनी पुस्तक द बुक ऑफ न्यू मॉरल वर्ल्ड, द बुक ऑफ न्यू मॉरल वर्ल्ड में समाजवाद शब्द का प्रयोग किया। नवा सवाल, फ्रांसीसी समाजवाद का वास्तविक संस्थापक कौन था? सही जवाब है, फ्रांसीसी समाजवाद का वास्तविक संस्थापक सेंट साइमन था। अगला सवाल, विश्व संसद की स्थापना का विचार किसने दिया था? सही जवाब है, विश्व संसद की स्थापना का विचार सर्वप्रथम सेंट साइमन ने दिया था। अगला सवाल, ये नारा किसका है? हरेक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम और काम के अनुसार भुगतान होना चाहिए। ये नारा भी दोस्तों सेंट साइमन का ही था, जिन्होंने विश्व संसद की स्थापना का सर्वप्रथम विचार दिया था। वे फ्रांसीसी समाजवाद, ठीक है, के वास्तविक संस्थापक थे रॉबर्ट सेंट साइमन, और रॉबर्ट ओवन ने समाजवाद का जो सर्वप्रथम प्रयोग है अपनी पुस्तक द बुक ऑफ न्यू मॉरल वर्ल्ड में 1827 में किया था। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगला क्वेश्चन, बारवा, अराजकतावाद का जनक किसे माना जाता है तथा उनका क्या विचार था? सही जवाब है दोस्तों, पीजी प्राउधो ने अराजकतावाद का जनक माना जाता है, और उनका विचार था कि मनुष्य के ऊपर, मनुष्य की सरकार हर तरफ से अत्याचार है। राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों, राइट्स ऑफ मैन के पुस्तक के लेखक है टॉमस पेन। अगला सवाल, बेवियूफ षड्यंत्र कब का है तथा इस उसमें किसकी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की गई थी? सही जवाब है दोस्तों, 1795 में बेवियूफ षड्यंत्र हुआ था और फ्रांस की सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की गई थी। अगला सवाल है पंद्रहवा, मजदूर स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब, कहाँ और किसने की थी? तो सही जवाब है दोस्तों, 1893 में मजदूर स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना स्कॉटलैंड में और कियर हार्डी के द्वारा की गई थी। 16वां सवाल, लीग ऑफ द जस्ट की स्थापना कब और किसने की और उनका नारा क्या था? 16वां सवाल, उत्तर आंसर है दोस्तों, 1836 में लीग ऑफ द जस्ट की स्थापना की गई थी और पेरिस में की गई थी और मजदूरों ने इसकी की थी। अगला सवाल है, वर्गहीन राज्य विहीन समाज में विश्वास रखने वाले प्रमुख समाजवादी विचारक कौन थे? सही जवाब है दोस्तों, कार्ल मार्क्स।
कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन व राज्य विहीन समाज की स्थापना की थी। अगला सवाल, काल विभाजन का सही क्रम किसने दिया? 18वां, कार्ल मार्क्स ने काल विभाजन का सही क्रम दिया। 19वां सवाल, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये विचार किसका है? दोस्तों सही जवाब है, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, ये विचार कार्ल मार्क्स का है। कार्ल मार्क्स की बुक कौन सी है? सही जवाब है दोस्तों, दास कैपिटल। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बुक्स है। 21वां सवाल, दास कैपिटल का प्रथम, द्वितीय और तृतीय खंड कब प्रकाशित हुआ? तो सही जवाब है दोस्तों, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का प्रथम जो ग्रंथ है, खंड है, वो 1867 में, 1867 में, द्वितीय खंड 1885 में, और तृतीय खंड 1894 में। 1867, 1885 और 1894, इसमें दास कैपिटल के तीनों खंड प्रकाशित हुए थे। दास कैपिटल का अगला सवाल 22वां, दास कैपिटल का पहला अनुवाद कब और कहाँ किया गया था? सही जवाब है दोस्तों, दास कैपिटल का पहला अनुवाद मार्च 1872 में और रूस के अंदर किया गया था। 23वां सवाल, द क्रास स्ट्रगल इन फ्रांस तथा द सिविल वॉर इन फ्रांस के लेखक कौन है? सही जवाब है दोस्तों, कार्ल मार्क्स। अगला सवाल, मार्क्स से पहले द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया था? 24वां सवाल, हीगल ने कार्ल मार्क्स से पहले द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग किया था। 25वां सवाल, मैंने हीगल को के द्वंद्ववाद को सिर के बल पर खड़ा पाया, जिसे मैंने अपने पैरों के बल खड़ा कर दिया, ये कथन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कथन किसका है? सही जवाब है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का। मार्क्स से पहले द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग हीगल ने किया था, और हीगल के द्वंद्वात्मक को सही कर दिया था कार्ल मार्क्स ने, और उसने, कार्ल मार्क्स ने ही ये कहा था, ये कथन कार्ल मार्क्स का है। अगला सवाल, मार्क्स के अनुसार प्रत्येक समाज में कितने विरोधी वर्ग होते हैं? सही जवाब दोस्तों, दो वर्ग होते हैं, एक तो शोषक और एक शोषित। अगला सवाल, पूंजीवादी स्वयं अपने विनाश का बीज बोता है, ये कथन किसका है? सही जवाब है दोस्तों, कार्ल मार्क्स का है। 28वां सवाल, अलगाव की प्रथम व्याख्या किसने दी थी? सही जवाब है दोस्तों, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अलगाव की प्रथम व्याख्या दी थी। 29वां सवाल, कार्ल मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स और एंजल्स है। अगला सवाल, कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? तो दोस्तों ये कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रणेता माना जाता है। अगला सवाल 31, कार्ल मार्क्स की दो पुस्तकों के नाम बताओ। कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। 32वां सवाल, अवसरवाद का प्रारंभ कब और कहाँ हुआ? 32वां सवाल, अवसरवाद का प्रारंभ 1883 में इंग्लैंड में हुआ। अगला सवाल 33वां, श्रम संघवाद का प्रारंभ कहाँ और कब हुआ? सही जवाब है दोस्तों, श्रम संघवाद का प्रारंभ 11वीं शताब्दी के अंदर फ्रांस में हुआ। अगला सवाल है, अंग्रेजी व फ्रांसीसी का वृद्धजीवी शिशु किसे कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों, श्रेणी समाजवाद को श्रम संघवाद, अंग्रेजी व फ्रांसीसी का वृद्धजीवी शिशु कहा जाता है। 35वां सवाल, बोल्शेविकवाद का नेतृत्व किसने व कहाँ पर किया था? आप जानते हैं दोस्तों, बोल्शेविक क्रांति जो का नेतृत्व है वो लेनिन ने किया था और रसिया में किया था। पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, प्रथम इंटरनेशनल कब और कहाँ हुई? सही जवाब है दोस्तों, 28 सितंबर 1864 में लंदन में हुई। द्वितीय इंटरनेशनल 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुई। 38वां सवाल, विश्व मजदूर दिवस कब मनाया गया और कौन सी इंटरनेशनल में था? कौन सी इंटरनेशनल में थी ये? 38वां सही जवाब है, 1 मई को, और द्वितीय इंटरनेशनल में विश्व मजदूर दिवस मनाया गया, तो द्वितीय मजदूर में ये इंटरनेशनल 14 जुलाई 1889 में
पेरिस में द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी? 39वां सवाल, जिमर वाल्ड योजना कब की है? सही जवाब है दोस्तों, सितंबर 1915 की जिमर वाल्ट योजना थी। 40वां सवाल, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में तिरंगा झंडा फहराने का श्रेय किस भारतीय महिला को है? सही जवाब है मैडम भिकाजी कामा को है। भारतीय क्रांतिकारियों की माँ किसे कहा जाता है? सही जवाब है मैडम भिकाजी कामा को भारतीय क्रांतिकारियों की माँ कहा जाता है। 42 सही जवाब है दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। सही जवाब है दोस्तों दादा भाई नारोजी। 43 का क्वेश्चन है, तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब और इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है? दोस्तों तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में हुई और मॉस्को में इसका प्रधान कार्यालय है। तो मैंने आपको बताया प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 28 सितंबर 1864 में लंदन में हुआ, द्वितीय इंटरनेशनल 14 जुलाई 1889 को पेरिस में हुआ, तृतीय इंटरनेशनल 1919 में और इसका प्रधान कार्यालय मॉस्को में था। अगला क्वेश्चन, समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है ये किसका कथन है? सही जवाब है दोस्तों लेनिन का। लेनिन ने कहा था कि समाजवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। अगला क्वेश्चन 45वां, बंदूक की नली शक्ति का एकमात्र स्रोत है ये किसने कहा था? सही जवाब है माओ से तुंग के द्वारा। ये किसने कहा था कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ? सही जवाब है दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा था। तो दोस्तों मैं इसके आंसर भी आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अगर किसी भी चीज़ में आपको तकलीफ हुई हो सुनने में तो ये देखो पहले से लगा का 10 तक ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब मैं आपको 11 से 20 तक करवा रहा हूँ, इसके आप स्क्रीनशॉट लेकर आप इसका उत्तर देख लीजिएगा। अब 21 से लगाकर 29 तक, 30 तक बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 31 से लगाकर 40 तक उत्तर बताता बता रहा हूँ, और 40 से लगाकर 46 तक। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा और आप काफ़ी अच्छा अभ्यास करोगे। जितना भी क्वेश्चन बन सकते थे इम्पोर्टेंट, उसका सबका समावेश इसके अंतर्गत मैंने कर दिया है। तो और आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आए वर्ल्ड हिस्ट्री का, उन सभी के क्वेश्चन मैं आपको सभी प्रोवाइड करवा रहा हूँ आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। आर एस प्री मेंस और इंटरव्यू इन तीनों चरणों में प्रत्येक प्रकार का गाइडेंस आपको मिलेगा इस YouTube चैनल के ऊपर। इसके साथ ही फर्स्ट ईयर के लिए हिस्ट्री और कॉलेज लेक्चरशिप के लिए भी हिस्ट्री का गाइडेंस आपको यहाँ प्रत्येक वीडियो में आपको मिलेगा। मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की जाए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।